ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। माया नगरी में अपनी मेहनत की कमाई से पाई पाई जोड़कर अपने बच्चों को पढ़ा रहे अभिभावकों की जीव को तगड़ा झटका लगा है। स्कूल संचालकों ने बच्चों के बस का किराया बढ़ाने का फैसला लिया है। बता दें कि स्कूल संचालक मौजूदा शैक्षणिक सत्र में कोविड से पहले की दरों की तुलना में स्कूल बसों के किराए में अब 20% तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। इसका छात्रों के अभिभावकों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में बसों का किराया बढ़ाने के पीछे लगातार बढ़ रहे ईंधन की कीमत व अन्य महंगाई वजह बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक स्कूल बस ऑनर्स एसोसिएशन के अनुसार छात्रों को स्कूल के लिए आवागमन में बस के किराए में करीब 20% की बढ़ोतरी करना हमारी मजबूरी बन चुकी है। लगातार ईंधन के मूल्य में तेजी, आरटीओ शुल्क, बस की मेंटेनेंस में मिस्त्री और पार्ट के दाम बढ़ने के साथ ही बढ़ी हुई महंगाई के चलते बस ड्राइवरों का वेतन बढ़ाने की वजह से यह मूल्य बढ़ाना ही सिर्फ एकमात्र हमारे लिए पर्याय बचा है, जिसके अंतर्गत हमने छात्रों के बस किराए को बढ़ाने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि मुंबई सहित पूरे देश में महंगाई अपने चरम पर है। गर्मी की छुट्टियों के बाद राज्य भर के स्कूलों का खुलना शुरू हो गया है। अब अभिभावकों, स्कूल प्रशासन बढ़े हुए किरायों के बारे में सूचना देगा। इसमें पहले से ही महंगाई के बोझ तले दबे आम नागरिकों की और महंगाई की मार सहनी पड़ेगी। देखने वाली बात यह है कि क्या शासन प्रशासन विभाग पर बढ़ रहे इस बोझ को कम करने के लिए कुछ रास्ता निकालती है, या फिर उनको हर बार की तरह उनके उसी हाल पर छोड़कर और महंगाई को जख्म देती है। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।